हाँ सर ब्रॉन्ज से समझा दीजिए, आपको समझ आ जाएगा बड़े आराम जी। सर ये आप है ना, ठीक है सर, अगर ये बंदे काम नहीं कर रहे ना सर, वो सिस्टम में आपके काम नहीं कर रहा है, अगर उससे आपका फायदा होना या नुकसान होना ये आपको तय करना है। ये दो बंदे जो है ना, आपको इनसे एक ही बार पैसा आना है, मतलब इस पूरे सिस्टम में रूबी डायमंड पर आपको हर एक व्यक्ति से एक ही बार पैसा आना है, अगर वो आपके लेवल का है तो। आप एसोसिएट हैं तो ये आपका पहला लेवल है ना जी, आपको पैसा आ गया रोज बन गए आप, ये आपका दूसरा लेवल है, ठीक है जी। चार ब्रोंज से पैसा आ गया क्योंकि आप ब्रोंज बन चुके हैं, अब आपको एसोसिएट से पैसा नहीं आएगा, ब्रोंज से पैसा आएगा। मोबाइल लेकर ब्रोंज बन गए आप, सिल्वर बन गए, ठीक है जी। ये सिंपल सा फंडा है, सिल्वर बन गया, हर कोई बंदे से सिल्वर बन भी जाता है। अब इसके बाद ये लोग काम नहीं करते ना, आपकी यही प्रॉब्लम है कि इसके बाद ये लोग काम नहीं करते। यस सर, उस समय ना आप इनको अपग्रेड मत करो, समझना मेरी बात को ध्यान से। ये आपने अपग्रेड नहीं करा क्योंकि आपको पैसे दे गया, अगर ये काम कर रहा है और आपने अपग्रेड नहीं किया फिर आपकी दिक्कत है, आप उसके साथ ना इंसाफी करोगे, ठीक है। अगर ये बंदा काम नहीं कर रहा है उसके बाद आप अपग्रेड करते हो तो ये आपने अपने लिए दिक्कत बना ली है, मतलब इतनी बड़ी दिक्कत नहीं बना दी, ये बना दी कि आपको इनकम थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर आप ये सोचो ना, जैसे आपके केस में सर ये बंदा काम नहीं कर रहा, ये बंदा काम नहीं कर रहा, ये बंदा काम नहीं कर रहा, ठीक है, एक दो तीन लेवल के बंदे काम नहीं कर रहे, आपको पेमेंट किससे आता है? सिंपल सा बताऊँ तो मैं आपको, आठ बंदों से सिल्वर आता है तो जाके आप गोल्ड बनते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कितने सिल्वर आने वाले हैं? 16, 32, 64। ठीक है सर, 16, 32 और 64, 16, 32, 64 टोटल कितने होते हैं सर? देखिए 8, 4, 12, 1, 2, 5, 112 सिल्वर का पैसा आने वाला है आपके पास, अगर ये आप इन्हें अपग्रेड नहीं करते हैं तो, तीनों लेवल पे। ओके सर, एक गोल्ड की ग्रेच्युटी कितनी होती है? मतलब एक गोल्ड पे आप मैक्सिमम 6400 रुपये कमाते हैं, 6400 होते हैं ना, 16000 आते हैं, 10% कटता है, 14400, 8000 अपग्रेडेशन, 6400। अब आपके पास 112 आ रहे हैं, 112 को 2000 से कैलकुलेट कर लो पहले तो आप, ठीक है, इसे भी करते हैं। ये है सर 2,24,000 आप गोल्ड पे कमा रहे हैं, क्योंकि ये तीन बंदे काम नहीं करते। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिल्वर आप अपने ट्री के हिसाब से अपग्रेड करो, समझ रहे ना मेरी बात? मत करो आप, आपके लिए बेस्ट है। देखो क्या है कि मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आप सपोज ये 14 लोग ना आपके सारे फैमिली मेंबर है, आप क्या करो कि इन लोगों के पास ना ग्रेचुटी इकट्ठी कर लो, इन सबकी ग्रेचुटी भी निकाल लो, निकाल लो अपने पास, और उसके बाद ऊपर आने दो सब कुछ। तो क्या होगा, जब आप गोल्ड बनोगे ना तो आप इन्हें सिल्वर कर दो, जब आप पर्ल बनोगे ना तो आप इन्हें गोल्ड कर दो, जब आप रूबी बनोगे तो इन्हें पर्ल कर दो। आपके पास इतना इनकम आएगा, आप 40 करोड़ भूल जाओगे, आप 400 करोड़ रुपए करे जाओगे। अरे वाह। सर क्या है कि अगर ये आपकी 14 ID है ना, सेम ये 14 ID आपकी है जी, तो फैमिली वाली बात बताऊँ तो सारी फैमिली की है, तो ये जो लेवल है इस ID का ना, ये इनसे एक छोटा होना चाहिए, जैसे आपने सर का देखा।